प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रोटक नो योर फेट। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी आपका राशिफल। इस राशिफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल के साथ ही साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सरल उपाय, राशि अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी, पंचांग बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेष उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे पंचांग की। तो दिन है शुक्रवार का, तारीख है 11 अगस्त 2023, श्रावण अधिक कृष्ण एकादशी पर चंद्रमा वृष राशि और नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा काला, शुभ दिशा जो रहेगी वो रहेगी नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट। राहु काल रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक का। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 7:05 से लेकर रात को 9:14 तक। विशेष क्या है, मानस योग है और ऐसे में महालक्ष्मी के पूजन का विधान है। अधिमास श्रावण का शुक्रवार और विशेष आखिरी शुक्रवार ही अधिमास सावन का, और ऐसे में महालक्ष्मी के पूजन का विधान है और हमारा जो विशेष उपाय है वो भी महालक्ष्मी से ही जुड़ा हुआ है। बताएंगे आपको ख्याति कैसे प्राप्त होगी, आप पॉपुलर कैसे होंगे, आपका जस कैसे बढ़ेगा, नाम कैसे होगा, उसके लिए आप राशिफल को आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं राशिफल की। पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग हैं, परिजन सहयोग देंगे, दफ्तर में अधिकारी मदद करेंगे, आर्थिक निवेश शुभ रहेगा, जोखिम भरे निवेश से बचें, उपाय ये करेंगे पूजा घर में साबुदाना चढ़ाएं, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे, कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें, जीवन साथी का पूरा सहयोग रहेगा, नए काम करने का मन बनेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, खर्चों में वृद्धि के योग हैं, उपाय ये करें कि तुलसी पर शक्कर चढ़ाएं, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाय की बात करेंगे, सभी काम इच्छा अनुसार पूरे होंगे, आर्थिक क्षेत्र शानदार रहेगा, रिश्तों में मधुरता रहेगी, कारोबारी यात्रा के योग हैं, लाभ के मौके हाथ आएंगे, उपाय ये करें कि गरीब कन्या में टॉफी बांटें, कैंडी, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे, महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी, सेहत को लेकर चिंतित रहेंगे, लेन देन में सतर्कता बरतें, लोगों की मदद करेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उपाय ये करेंगे तुलसी पर अबीर चढ़ाएं, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे, मित्रों से अनबन के योग हैं, व्यर्थ के विवादों से बचें, सेहत पर पूरा ध्यान दें, अध्यात्म में रुचि रहेगी, कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी, उपाय ये करें कि किसी गरीब व्यक्ति को मैदा दान करें, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे, वाहन चलाते समय सतर्क रहें, गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखें, बने बनाए कामों में बाधा आएगी, जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, व्यापार अच्छा चलेगा, उपाय ये करें कि धार्मिक चित्र पर सफ़ेद फूल चढ़ाएं, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे, विवादों में जीत मिलेगी, दफ्तर में सहयोग प्राप्त होगा, दाम्पत्य मधुर बना रहेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, समय से काम पूरे होंगे, उपाय ये करें कि गुलाबी शेड के कपड़े पहने, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, दफ्तर में जिम्मेदारी बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में कोई खुशखबरी मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, रोजगार मिलने के योग हैं, आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, उपाय ये करें कि फिरोजी शेड के कपड़े पहने, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। नवी राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे, रुके हुए कामकाज पूरे होंगे, उन्नति के मौके मिलेंगे, रोजमर्रा के कामकाज से लाभ होगा, संतान से पूरा सहयोग मिलेगा, सेहत पर पूरा ध्यान दें, उपाय ये करें कि किसी कन्या को चीनी दान करें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, पुराने रोग परेशान करेंगे, बेकार के विवादों से बचें, आय में वृद्धि होगी, करियर में शानदार बदलाव होंगे, संतान के साथ में संबंध मजबूत होंगे, उपाय ये करें कि दैनिक पूजा पाठ में गुलाबी फूल चढ़ाएं, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, लंबित कामकाज में गति आएगी, लाभ के मौके मिलेंगे, सेहत की चिंता रहेगी, जीवन साथी से रिश्तों में मिठास रहेगी, दोस्तों से मुलाकात होगी, उपाय ये करें कि गरीब कन्या को खीर दान करें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। बारहवीं राशि मीन यानी पाइसिस की बात करेंगे, कामकाज में व्यस्तता से थकान रहेगी, आत्मबल में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ के योग हैं, कोई शुभ सूचना मिलेगी, अचानक धन लाभ के योग भी हैं, उपाय ये करें कि टेलकम पाउडर का उपयोग करें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो ख्याति में वृद्धि कर देगा यानी कि आपको पॉपुलर बना देगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ा देगा, आपका जस बढ़ा देगा, आपका नाम अच्छा कर देगा। देखिए खास दिन है, यह दिन है शुक्रवार का और अधिमास श्रावण का आखिरी शुक्रवार है और ऐसे में महालक्ष्मी के पूजन का विधान है, तो क्या करें, ख्याति में वृद्धि के लिए महालक्ष्मी का पूजन करें और महालक्ष्मी पर चंदन का इत्र चढ़ाएं और उस चढ़े हुए इत्र का नित्य इस्तेमाल करें
और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ख्याति लक्ष्मी नमः, ख्याति बढ़ाने वाली लक्ष्मी, ओम ख्याति लक्ष्मी नमः। आश्वस्त करता हूँ ख्याति में निश्चित वृद्धि होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।